जनाब आप यहाँ पर आए हैं, वैसे बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं आप? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के रहने वाले हैं? यस सर। तो यहाँ आप घूमने के लिए आए थे, कैसे आए थे? यहाँ हम स्टडी करते हैं, तो आज ऑफ डे था, संडे था, तो आए दरगाह में। स्टडी कहाँ पर? ये हरियाणा यूनिवर्सिटी। हरियाणा यूनिवर्सिटी कहाँ, कौन से? पानीपत में ही है? पानीपत में। हाँ अच्छा, शायद मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एमपीएड कर रहा हूँ, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। मैं कर रहा हूँ जींद से ही, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो आप किस साइड से कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी साइड है आपके पास? साइड बेसिकली साइड मीनिंग, तो कहने का मतलब जैसे आर्ट साइड हो गया, साइंस साइड हो गया। आर्ट में। आर्ट में कर रहे हैं? यस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो आपने इंडिया ही क्यों चुना और दूसरी कंट्री क्यों नहीं? एक तो ये जो हमारी कंट्री का जो इंडियन लोगों के साथ दोस्ती है। अच्छा। तो बेसिकली हमारे इलाके से, जो हमारे जिस प्रोविंस से, अफगानिस्तान से, यहाँ पर बहुत आते हैं लोग, करीब भी है और यहाँ पर स्टडी भी अच्छा है और इट्स रीजनेबल एज वेल। यू आर राइट, यू आर राइट, कॉस्ट नहीं है। बेसिक बेसिक, आप सही बोल रहे हैं सर। तो आप लोग कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर? बेसिकली हम तो बहुत ज़्यादा होते हैं डिफरेंट। अगर आप जिस स्टेट में भी जाओ तो अफगानिस्तान के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो करंटली यहीं पर हम बस 10 जन है। हम शुरू से बहुत थे, तो जो पास आउट हो गए वो घर चले गए। अच्छा, तो एक और बात बताइए कि यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान थोड़ा सा दुनिया के अंदर कुछ, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर यहाँ के हरियाणा लोग, हरियाणा वाले जो लोग हैं उनका क्या एक्सप्रेशन है, अगर जैसे पता चलता है कि आप वहाँ से हैं? बेसिकली जब किसे पूछो, उनके कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो अब हो रहा है, वहाँ पर चल रही है। सब कोई एक इंफॉर्मेशन लेना चाहता है व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जब एक चेंजेस आता है गवर्नमेंट का किसी भी कंट्री में, वहाँ तो अप्स डाउन होते रहते हैं, अप्स डाउन। तो इतना चिंता करने की उनको भी बात नहीं है। तो हम जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है उनको दे देते हैं, तो एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट। तो सर काफ़ी अच्छी बात है। तो सर आपके साथ 10 स्टूडेंट आप लोग पढ़ते हैं? यस सर। तो आप लोगों के फ्रेंड भी होंगे यहाँ पर जो हरियाणा के होंगे या फिर अदर कंट्री के या फिर अदर स्टेट के भी होंगे? यहाँ पर है, हरियाणा के भी है, दिल्ली से भी है, कश्मीर से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से भी है। तो डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट सिटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट। सर ये और बताइए कि आपने यहाँ की कुछ हरियाणवी सीखी है 6 महीने में? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? हाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। नहीं यार, ये सुहटोहा नहीं सीखी अब तक। नहीं सीखी? ऐसा क्यों सर? हम ट्राई कर रहे हैं, अभी हिंदी सीख ले, जब ये परफेक्टली सीख लिया तो फिर ट्राई करेंगे हरियाणा। तो सर वहाँ अफगानिस्तान में हिंदी बोलते नहीं क्या? बहुत कम बोलते। वैसे हिंदी और उर्दू या फिर, हाँ उर्दू को मान लीजिए आप, उसके अंदर मोस्टली समझ में आ जाता है ना, उर्दू और जो भी चीज़ होती है वो समझ में आ जाता है, क्यों सर? अच्छा, इनसे बात करें। देखा आप सभी ने, कितनी अच्छी सोच है इनकी हमारे देश के बारे में। हमारे देश की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये एक और हैं हमारे, जो कि इनके, जो हमने अभी बात की इनसे, तो इनके ही क्लासमेट हैं और ये अफगानिस्तान से ही हैं। तो सर आप बताइए, आपने थोड़ी सीखी हरियाणवी? हरियाणवी तो नहीं सीखी सर, लेकिन समझते, जो बात कर रहे हैं उनकी बात हम समझते, लेकिन खुद नहीं बोल सकते। समझते हैं सर? अच्छा, ये तो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ है ना, क्योंकि आप उसी का रिस्पांस दे सकते हैं अगर समझ में आएगा तो आपको। सर और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ के हरियाणा के जो आपके साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर अदर स्टेट के, जैसे यूपी के भी होंगे काफ़ी। हाँ है। ठीक है, तो उनका आपके साथ कैसा तालमेल है, कैसा रहन सहन है, कैसा बिहेव है उनका? बिहेवियर तो जितने भी कॉलेज के अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं सबके बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। आज तक हमारे यहाँ पे 3रा साल हो गया इंडिया में, तो कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सब स्टूडेंट अच्छे तरह से, फ्रेंडशिप बहुत अच्छे हमारे, मिलजुल अच्छे मिल रहे एक दूसरे से। ठीक है, तो आप भी आउट साइड ले रखी है आपने भी? हाँ। तो सर एक बात बताइए, आप यहाँ इतनी दूर से अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन का क्या कुछ सिचुएशन है, क्या सिस्टम है वहाँ पर? एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर भी सही है, लेकिन क्योंकि अदर कंट्री, हम चाहते थे कि इंडिया के बारे में बचपन से यही किताबों में पढ़ा था, स्कूल की किताबों में, हसनीय पानीपत के बारे में, यहाँ पे जो मच्छा अब्दाली का वार हुआ था, तो ये हिस्ट्री के हिस्ट्रिकल किताबों में हमने वहाँ पर भी पढ़े थे। तो हमें
ये सोचा कि एक बार इंडिया जा के देख ले कि कैसा है वहाँ की इंडिया, क्योंकि यहाँ की जो मूवीज़ है पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडिया आ गए। फिर इंडिया में पसंद आया, फिर हमने कहा कि अभी तो आए हैं चलो स्टडी भी करते हैं, और डिग्री के वैल्यू भी तो ये वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है। अच्छा बेटर है, हाँ, क्योंकि सर मैं बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा कि इंडिया के साइंटिस्ट और जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी पैटर्न इसी टाइप का बनाया हुआ है कि पूरे साल पढ़ो और फिर बाद में उसको एग्ज़ाम दो, ऐसा अभी तो खैर सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, नहीं तो अदर कंट्री में क्या होता है ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को शायद पता भी होगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है दिमाग के ऊपर काफ़ी जोर दे करके पूरे एक साल की स्टडी करके तब जाके एग्ज़ाम देने में, उसमें क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। हमारे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, उनके ऊपर मतलब उनका नाम आते ही गर्व हो जाता है हमें, हाँ भाई थे वो कोई इंसान, अपने देश को कुछ देखे गए हैं। ठीक है, तो सर आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक सर, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर, सर आज तक कोई प्रॉब्लम हमें इंडिया के लोगों से, यहाँ जहाँ पर रहते हैं गांव से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के, यहाँ पे रहते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सर यहाँ की जो लैंग्वेज है वो लठमार लैंग्वेज बोलते हैं इसको, हाँ डिफिकल्ट है इसमें, और जो दिल्ली में लोग रहते हैं लैंग्वेज डिफिकल्ट बहुत है, हाँ क्योंकि अगर आपको प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे उसने गुस्से से मतलब मुंह पे मार दिया हो, है ना, ऐसा लगता है। कुछ नहीं सर, ये लैंग्वेज ही ऐसी है, बाकी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बातें करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।